हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। ब्लड में बी प्योरिफाइड बाय, तो क्वेश्चन में हमें क्या कि ब्लड की प्योरिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है कि ब्लड किससे प्योरिफाई करते हैं, डायलिसिस से करते हैं, फिल्ट्रेशन से करते हैं, कोगुलेशन से करते हैं, इलेक्ट्रोस्मोसिस से करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ब्लड की बात कर लेते हैं। तो ब्लड क्या होता है हमारा, तो ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड क्या है हमारा, इसके अंदर क्या होती है, क्रिस्टलॉइड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है हमारी, क्रिस्टलॉइड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। ये क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है, इसके अंदर क्या है, क्रिस्टलॉइड इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। एंड इसके ऊपर क्या होता है कि एक तरीके का हमारा नेगेटिव सोल होता है। तो इसके ऊपर चार्ज आयंस भी क्या है, इसके अंदर कंसिडर होते हैं। तो ये क्या है, नेगेटिव सोल है हमारा। यहाँ पे क्या हमारे, फिर हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, चार्ज, हमारे चार्ज वाले पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये नेगेटिव सोल है हमारा, तो ये क्रिस्टलॉइड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो क्रिस्टलॉइड इंप्योरिटीज को हम किस तरीके से रिमूव करते हैं, क्या हम डायलिसिस से करते हैं या फिल्ट्रेशन से करते हैं, कॉगुलेशन से करते हैं, इलेक्ट्रोस्मोसिस से। तो सबसे पहले हम डायलिसिस को जानते हैं कि डायलिसिस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द क्रिस्टलॉइड इंप्योरिटीज फ्रॉम द इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द डायलिसिस। उसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। जो कि क्रिस्टलॉइड इंप्योरिटीज को कोलाइडल सॉल्यूशन में से रिमूव करे उसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस। एंड जो एपरेटस हम यहाँ पे यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायलाइजर। द एपरेटस यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड द डायलाइजर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं। एंड इन दिस मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है इज टेकन इन ए बैग। तो उसको हम क्या करते हैं, एक बैग में क्या करते हैं, टेक करते हैं इस तरीके से। हमारा ये एक सॉल्यूशन का है पूरा। एंड यहाँ पे क्या है कि हमने क्या करा, इस तरीके से एक बैग टाइप बनाया है यहाँ पे, ये इस तरीके से। एंड ये क्या है हमारा, सॉल है यहाँ पे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको, यहाँ पे हमने इस तरीके से ये रखा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा क्या, सॉल प्रेजेंट है ये पूरा। तो यहाँ पे क्या है कि इन दिस मेथड इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज टेकन इन ए बैग मेड अप ऑफ द सेलोफेन और द पर्चमेंट। या तो हमारा जो बैग हमने यूज किया या तो वो सेलोफेन का होगा या फिर पर्चमेंट का होगा। एंड ये इस तरीके से क्या है, ऊपर से इस तरीके से हमने हैंग कर रखा है इसको यहाँ पे। ये क्या है, हमने इस तरीके से हैंग कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हो कि द बैग इज सस्पेंडेड इन द फ्रेश वाटर। बैग को हम क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में सस्पेंड कर देते हैं। ये फ्रेश वाटर है हमारा। ड्यू टू दिस इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज स्लोली रिमूव्ड फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होती है कि इम्प्योरिटीज धीरे धीरे क्या करती है, कोलाइडल सॉल्यूशन में से रिमूव हो जाती है। एंड द प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। तो डायलिसिस की हेल्प से हम क्या क्रिस्टलॉइड इंप्योरिटीज को निकाल सकते हैं। तो ब्लड के अंदर क्रिस्टलॉइड इंप्योरिटीज होती हैं। तो ब्लड किससे प्योरीफाई कर सकते हैं हम लोग, डायलिसिस से। किससे प्योरीफाई कर सकते हैं, डायलिसिस से। फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं कि फिल्ट्रेशन से हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों इंप्योरिटीज क्या होती है हमारी, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंप्योरिटीज फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय पासिंग थ्रू द फिल्टर पेपर। तो इसमें क्या होता है, हम फिल्टर पेपर से उसको पास कर रहे होते हैं। तो फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि बोथ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट इंप्योरिटीज आर रिमूव, ना कि क्रिस्टलॉइड इंप्योरिटीज, इनकी कोई बात नहीं है। तो फिल्ट्रेशन में ये होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। एंड अगर इस किसकी बात करें, कॉगुलेशन की, तो कॉगुलेशन का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं आती। तो कॉगुलेशन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू द प्रेसिपिटेट बाय एडिंग ए सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द कॉगुलेशन। तो कॉगुलेशन में क्या करते हैं कि हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को पीपीटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ना कि उसको प्योरीफाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम कॉगुलेशन का तो यूज यहाँ पे कर ही नहीं सकते। यहाँ पे हम क्या है, कॉगुलेशन का यूज कर नहीं सकते हैं, तो कॉगुलेशन यूज नहीं होगा। एंड नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है। क्या है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। तो क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या है कि चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, डिस्पर्शन मीडियम के, केवल वो ही मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो बट क्या है कि ब्लड को इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की हेल्प से प्योरीफाई नहीं कर सकते, भले उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है। बट क्या होता है, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट उसके उसमें से पास करने की कोशिश करेंगे, तो उसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी कॉज टू डेथ भी है। ये क्या होती है, डेथ कॉजिंग थिंग है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ह्यूमन बॉडी में से पास करेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का हम लोग यूज नहीं करते ब्लड की प्योरिफिकेशन में। तो यहाँ पे क्या है कि ब्लड की प्योरिफिकेशन में हम इलेक्ट्रोस्मोसिस का यूज नहीं करते हैं। तो किसमें यूज, किसका यूज करते हैं, डायलिसिस का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।